अच्छा हमें टी सीरीज के माध्यम से जोन कैसेट गा रहा बनी तैयार करा रहा बनी ए कैसेट के नाम बा भक्त सज्जन कसाई। लेकिन देखी सबसे पहले वो गीत बा एगो देवर अपना भौजाई से का कहले रूस के भागल जात रहे उहे देवरा पीछा कर कहल गए भाभी भाभी भाग जेबू आ उहे दियारका पर से चाभी उतार के ए बैनाथ भाई का हो आ उहे पछटले पीठी पर गइल बस स्टैंड तक ले आ कहत कि भाभी ए हे आहो भाभी भागी कारे मानी ना आहो भाभी ए हे ले लय अपना तालावा के चाभी आहो भाभी ले लय अपना तालावा के चाभी आहो भाभी।
आज सवेरे हो खाना ना बनावे ले ए भाई ना भाई जब जे देखला कि मौत के ड्यूटी पर जाए के बेरा हो गइल उहे मौत के देखला के कटला गाछ खानी धाय दे खटिया पे गिर गइल कतिया ही माई पेट को छोटा अब उहे मौत नाती काहे के ड्यूटी पर जा से बासा भाई अब ड्यूटी पर के पोशाक उतार के अभी ना चल आटा हड़िया में से घींच के शाम दहले रोटी बना दहले तरकारी बना दहले आ खटिया पर से झाँक के देख दिया कि कौन कौन लीला करत रे भाई हो मरद होके तो ऐसा होके के चाहिए रोटी तरकारी बना के अपने नईखन खा अरे जब मेहरारू के पहले मरद होके खा ली है तेरा मुश्किल जते कार हो जाए अब रोटी तरकारी बना के तोप के धो के निरोई थे आ मौगी के जाके हाथ धो के जगा उतर के ए चलो ना खा लो अरे हमरा धन के अरे हमरा तेजपात के का हो गई ले दादा अब ओकरा पेट कौन छताई वही खाती तू दमी सधले बिया लेकिन गीत बा देखी मर्दा के बनावल रोटी भर पेट भर ले अब है उठ के आ हीक भर हिकवट के खूब खा के आ जूठ कांट छोड़ के सूत गई अब सुतला रात का मर्दवा के रहुए मेहरारू के जूठ खाता खा खा बाबू जान खूब खा 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 सतुलाऊ खूब खा जिंदगी भर खाइबे नाती खूब खा मर्दा के बनावल रोटी भर पेट भर ले आहो भाभी ए हला देवरा कहलस आहो भाभी हो खबूरा म शंकर जी पर राजी आहो भाभी हो खबूरा म शंकर जी पर राजी आहो भाभी हो खबूरा म शंकर जी पर राजी आहो भाभी अच्छा ध्यान भैया इत लयदारी सुननी है चटनी अब कहानी सुनी श्रोता गणे सुनिए मन लाई एक भक्त था सजने कसाई रहता था हरदम मत वाला आ करता था हरी भजने विशाला ठाकुर देवता प्रेम को पाकरे आ रहते थे उसके घर आकर धन्य धने प्रभु की है माया आ करते हैं भक्तों पर दाया गर करे भक्त सज्जन कसाई की कथा बा अरे भक्त सजना जी के कि भक्त सजना जी के अरे गाइले कहानी ये सुनवैया ज्ञानी भक्ति कोइले ठाकुर जी के माने भक्ति कोइले ठाकुर जी के माने ए सुनवैया ज्ञानी
पढ़ियांदे प्रेम से कहले भक्ति ठाकुर जी देखवले सती प्रेम से कहले भक्ति ठाकुर जी देखवले जेल के लगे हतार का घर हो बलिया जिला ओह पार कहो ओह पार सज्जन कसाई ठाकुर जी के बड़ा भारी भक्त रहले पहिल का जन्म में ब्राह्मण रहले एगो कसाई के हाथ में से गौ छूट के भाग रहली बाबा डोल डाल के आवत रहनी बाबा समझनी कि कोनो गरीब के गौ है भागतरी पकड़ के धरा देनी बाबा हाथवा में बुझनी कि पूंजी डूब जाए गैया भाग जाए तो उ कसाई रहले जब गौ के हाथ में गाय पड़ गई कसाई के हाथ में गाय पड़ गई बाबा धरा दिले गौ श्राप दिली कि जाहे बाबा जाओना हाथ से तू हमरा के धैल ह एगो दिन आई कि तहार दोनों हाथ कटवा देव आ जाना आँख से देख लह दोनों आँख तार फुरवा देव अपना जाने में बाबा निमन काम कैले लेकिन अर्थ उल्टा हो गई उहे दूसर का जन्म में सज्जन कसाई भैले पहले सज्जन नाम पड़ल निमन काम कैले रहले ऐसे अर्थ गलत हो गई ऐसे आधा कसाई हो गई नाम आ अपना हाथे जीव के हत्या ना करस काटल मांस बाजार से खरीद के लियावस देहात के छोटा मोटा बाजार में बेचस आ ठाकुर जी से तौल के बेचस उ ना जानस कि यहाँ के भगवान है लेकिन ठाकुर जी प्रेम के बस में पड़ के उनकरा के यहाँ रही सालीग्राम को समझ बटखरा सालीग्राम को समझ बटखरा अरे सज्जन कसाई दास सालीग्राम से तौल तौल कर बेच रहा था मास तब तक एक पुजारी आए देख हुए हैरान सालीग्राम को नास रहा है नीच पापी शैतान ठाकुर से तौल के बेचारू मास बेचत रहले एगो पंडित जी बाजार के रहनी तो कनी रे रे कसाई तोरा का बुझाई प्रभुताई लई बा कैसा हो अरे करले पुजारी बाबा अरे मन में विचार ठाकुर जी के नसलर पपिया जिया जिया चिरैता के पानी जिया कौन बाउर ना हा बाबू बर बीमारी में दिया लमन फरिया खाती की करले पुजारी बा
विचार ठाकुर जी के नसला रे बबिया बाटे मूर्ख गवार ठाकुर जी के नसला रे बबिया बाटे मूर्ख गवार ठाकुर जी के नसला रे बबिया बाटे मूर्ख गवार ठाकुर जी के नसला रे बबिया बाबा कहनी की त नाश देले बुढ़बा कहीं का ई ठाकुर जदी हमरा यहाँ रहते दूनू बेरा भोग लगेती ए ठाकुर जी के वेदी पर रख के सत्यनारायण भगवान की कथा कहला आ तू तौल के मांस बेचत रह भक्त सज्जन कसाई डेरा गइले लेकिन देखिनु एगो चिटकीला हो एगो कलास में एगो मंगरुआ नाम के लड़का रहे आ कलास भर में सबसे खाचड़ा रहे एक दिन ड्यूटी साहब आवेला रहनी तो मास्टर साहब कहला कि मंगरुआ तोरा परसों नहीं खेवे के ड्यूटी साहब आवेला बोला तो पक्का खचड़ा रहे कहला कि हम तो काले काहे न चल एक दिन पल ही कला स गोरे हो अब काहे का मानो ए भैया वह दिनों चल तो मास्टर साहब कहले कि ठीक बा जब आ गई बड़े तो कुशल कुशल बा कोना में अस्थिर चुपचाप बैठ रही है वह लाल शर्ट पहन के मंगरुआ ठीक कोना में सटक के बैठ रहे बेंच के नीचे तले भ ड्यूटी साहब आइले क्लास में ढुकले लड़का लोग खड़ा भइल बैठौले तो कहले के लड़का सब बतलाओ ए भगवान शंकर के धनुष के किसने तोड़ा अब मैं लड़का चुप बड़े कौनो लड़का हाथ नहीं कसे उठावत दूसर का हाली ड्यूटी साहब कहले के ठीक से बतलाओ भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा सब लड़का लोग चुप बतल है कोना में से मंगरुआ लाल शर्ट पहनल एक बेर खड़ा भइल कहते कि ना सरकार हम नहीं खी तुरले का जने हमरा मालूम नहीं के हम नहीं खी तुरले हो सकला हे में दोसर के हु तुरले हुई अब ड्यूटी साहब कहले कि भाई गजब बात हो गई इस स्कूल में कैसन पढ़ाई होता है हेडमास्टर साहब को लग गई कहले कि ऐ सर आपके क्लास में कैसा पढ़ाई हो रहा है वो मंगरुआ नाम का जो लड़का है वो बोलता है हमने पूछा शिव के धनुष के किसने तोड़ा वो बोलता है कि मास्टर साहब ड्यूटी साहब हम देखी जाना तो हम देखी तुर ले का जन है मैं कहीं दूसर के हु तुर ले हुई तब है हेड मास्टर साहब कहले कि आह गजब हो गए रौरो खूब है इतना टेबुल कुर्सी बेंच मैं सब टूट जाता आज जदि एगो मानत नहीं कि धनुष से टूट गई तो मंगरुआ में कौन दोस्त वैसे का हो गई डिप्सी साहब कहला कि मास्टर साहब तो स्कूल मासी बढ़े बड़े हेड मास्टरों साहब पाका सर लाठी बड़े उ गईले ड्यूटी इंस्पेक्टर के लगे आ जाके सब बात कहले तो ड्यूटी इंस्पेक्टर कहले कि सरकार रौरो बेकार घबराइल बनी इतना कुर्सी बेंच टेबुल स्किल बनवाओनी यदि मान लेता नहीं कि एगो धनुष से टूट गई तो रौरा बनवा नहीं की सको तो का कहले बनी भाई बुद्धि केहू के बखरा ना हो एगो गीत बा अरे सुना सुना रुनिया अरे देखाए ब तोह के दुनिया लाल मुनिया रे 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 अभी कावना फेर में बाड़े और बहुत दुनिया बाकी बा चल चल ए बाबूजान संग ही चलाओ कर चल चल अरे सुना सुना रुनिया देखाए ब तोह के दुनिया लाल मुनिया रे अरे तहरा के खियाए बरस बुनिया लल मुनिया रे तहरा के खियाए बरस बुनिया लल मुनिया रे We'll be right back.
लेके चली कहानी पर ध्यान दी कि जब बाबा बाला समझौले भक्त सज्जन कसाई डेरा गेले वो ठाकुर जी के बाबा के हाथ में दे दहले। सजन भक्त दे दिए भैया सालीग्राम को, दे दिए भैया सजन भक्त हरसाई। अरे लगे पुजारी पूजा करने अपने घर में जाई, ठाकुर जी के ले जाके बाबा पूजा पाठ कैले सुत गईले। आधा रात भैले बसा भैया, अब आधा रात में ठाकुर जी बाबा के सपना देखाओ तेरे का सुना बता रहे। अरे सपना में हो अरे सपना में हो सपना में बाबा बाबा अचरज देखो ले सा सपना देखले। अभी रात रहे आँख खुलल, बाबा के थर थर देह कांपे लागल, बाबा डरा गए नहीं। आ ठाकुर जी के लेके होत भिनसहरा भक्त सज्जन कसाई के दरवाजा पर पहुंचल बनी। कनिक हे भक्त है अमानत अपन लो, हमरा के ठाकुर जी रात बड़ा खराब सपना देखले बनी। भक्त सज्जन कसाई से बाबा कहतनी कि रात सपना सपना न देखे वाला होला, न देखावे हला होला। सपना में देखो तनी कि हाथी चहेटतिया भागो तनी गोड़े नहीं खा उठत, बुझाता कि अब लोभ के गोड़वा फार दी। आ यहाँ खुली लूते को छू छू नर के बचो न लौकी। तराते सपना देखाए दियो हमको, रात सपना रात सपना दिखाए दियो हमको, रात सपना रात सपना दिखाए दियो हमको, रात सपना
भक्त सज्जन कसाई कहले कि बाबा कौन सपना रोरा रात में देखले बनी जरा हमसे सुनाई कैसन सपना ठाकुर जी देखले बनी है कि भगवान ही का तो बाबा कहने कि हाँ यहाँ के तू बटखरा समझ समझ यहाँ के ठाकुर जी हैं यहाँ के बेदी पर रख के सत्यनारायण भगवान के कथा कहल जला आज से देवता मान के पूजा करी हो सुन रात हमरा के यहाँ के सपना का देखोई बाबा को हतनी सपनवा एक दे खुए राम का कही भक्त भगवान ठाकुर जी रात हमरा के बड़ा घनघोर सपना देखोले बनी बाबा को हतनी आ कांपो तनी थर थर सुतल में रहूं सपनवा एक दे खुए रह हो तब सवेरे जरी घर ललनवा हमर मोरी जय हे राम करी अब यह सज्जन कसाई ठाकुर जी के लेके जगन्नाथपुरी धाम के चल दहले गर करब शाम का बेला हो गया भैया कुछ दूर चल करे एक किसान के दरवाजे पर ठहर गए कुछ दूर चल कर चल चल साँझ हो गई एगो किसान के दरवाजा पर पहुंच गए कहा वा वो किसान के जन मेहरारू रही उ पहल का जन्म में जन गाय रही उहे वो किसान के मेहरारू भई रही आ ठीक सज्जन कसाई साँझ के बेरा वही दरवाजा पर किसान के पहुंचल बड़े किसान के मर्द वो जनाना औरत ही बदमाश अधी रात में आकर बोली सज्जन भक्त के पास वही किसान के दरवाजा पर सज्जन के साई जाके ठहरल बड़े सुने पहिल का जन्म के श्राप गऊ कैसे पूरा करा रहल बड़ी लेकिन एगो गीत बा अरे लप का जन करैली देख के अरे मुराई खा मन फेरा हमारा डेरा
चल चल हे तोर व्यवस्था ठीक होइले बानी हम बेचैन मत हो चल ना चल चल किलप का जन करैली देख के अरे हई मुरई खा मन फेरा हमारा डेरा चल आ तहरा के सिंगापुरी ना है देसी लवा हो तहरा के खियाए बधु बल केरा हमारा डेरा चल अरे तहरा के खियाए बधू बल केरा हमरा डेरा चल कहानी पढ़े कि भक्त सज्जन कसाई वही किसान के दरवाजा पर सांझ के ठहरल बड़े जब आधा रात भइल उहे गऊ किसान के मेहरारू भइ रहली पहिल का जन्म के बदला चुकावे खातिर आधा रात में सज्जन कसाई के लगे आइल बड़िया कहतरी का कहतरी कि हमें प्यार दे कि हमें प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे
शादी कर ल। अब सज्जन कसाई डरा गए, पैर पगिर गए, कहले कि माँ जैसे हमार महतारी वैसे तू हमार माई लगबू। संसार में प्रत्येक औरत के माई समझी ले, जैसे हमार माई तैसे तू हमार माई लगबू। का कहतू, हम भक्त ही भगवान के, हमरा से कर्म ना हुई। भक्त सज्जन कसाई पैर पर गिर बल गल बड़ा कहत रे, अरे कहत रे सज्जन कसाई। जिया जिया रवियन कर आइला जिया, तारा के समझील माई किया हो मोर राम, किया हो मोर राम। की का कह तरु, तू हमर माई लगू, क्षमा कद माफ कद छोड़ दो। किया हो मोर राम, किया हो मोर राम, हमारा से न हो ऐसन काम है। कसाई इनकार हो गए, कहले कि हमरा से कर्म ना हुई। तो बुझले कि बुझाता कि मर्द से डेरा तक आदू। अब जानता नहीं का कहले, मर्दा ओकर दलानी में सुतर है। का कहले गौर करी, का कहले सो कि कुटला तिरिया घर में गईली, खींचली हली तलवार, अपना सैया जान समरली नखड़ा दिहली पसार। मर्दा के दलानी में जाके दू टुकड़ा काट दलस। आ काट के आके सज्जन कसाई के लग कहते कि अब का डरा तर, जे कर रहले हैं डर ऊ तो गईल हो दमर। अब देरी मत करो, हमरा से शादी करो,
सज्जन कसाई कहलक ई कर्म ना होई चाहे हमरो के दू टुकड़ा कर देबू त का हो। अब बुझलस कि धोबी के गधा ना घर के ना घाट के एकरे खाती मर्दो के काट देनी तो वही हमार ना भइल। उहे त्रिया चरितर फैलावतिया कि कौन उपाय करनी कि कुछ एकरा भेटा जाए एकर भखौती एकर भाड़ा उतर जाओ। देखी आधा रात में हल्ला कैलस आरे धावलो गे पारल बा विपतिया गे चिलातिया हल्ला करतिया धावलो गे पारल बा विपतिया गे साँच कोई बतिया दोनों हाथ ऊपर करा के बनवा दिले। देखिए भैया सज्जन भक्त के दुर्दशा का होता दोनों हाथ ऊपर बनवा के हाथ में तलवार लेके जलाद के खड़ा करा दिले राजा आ कहले सज्जन भक्त पकड़ी के गईले ओहराज दरबार आर दूनो हाथा में दोई बा धानिया 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 आर दूनू हाथावा कटवार ली होले उहावा के सरदार दूनू हाथ कटवा लेले कहले कि ना हाथ रही ना हाथे कोनो बुरा कर्मी करी दूनू नयन फरमा देले दूनू आँख कि ना आँख रही ना केहू के बेटी बहन के बुरा निगाह से देखी
हाथ कटवा के आंख फोड़वा के छोड़ दले। ए भाई सजन कसाई के नैन नहीं के हाथ नहीं खे, फिर भी मन में विश्वास करके बाबा धाम जाता रे। आ ए घर के बम लो बाकी बाबा धाम जाए के तैयारी हो गई बड़े। आ बाबू जी कहते रहे कि बबुआ हमारे जिंदगी का कौनो ठीक नहीं खे, अब की परी बाबा धाम घुमा दो, कौनो ठीक नहीं खे, अगला सावन ले जिए कि ना जिए। तो लड़का लोग कहते का पकड़ पकड़ मरदवा के रहा लागिल बोलो तारा जनौले सन काम बा, बाबा धाम जा तनी लौट के आए दोनों सेट कपड़ा तहरा के दे दे, खूब पहन के मोरे मोर घूमी हल लोग जाने के नूनुए गई रहे। लेकिन भक्त सजन कसाई बाबा धाम जाते रे भगवान विश्वास करके। गीत बा ठीक बा। अरे दुनु हाथ कटी रे गईले तनी को ना फिकिर कईले। इलाय जानतनी कौन हो, सावन भादो में घाटा आता तड़ाला बिजली चमकेला, तो देखी जब बिजली तड़पेला तो आवाज होला बैनाथ बाबू से तबला वसूली कि घाटा ततलाला रिमझिम पानी बरसेला किसान के औरत धान रोपेली, तो जब बिजली तड़पेला ओकर आवाज होला तबला वसूली। गावेली लाय हुए हो का गावेली हो, पिया मोर आई रे गोइले बरत रखाड़ रे भईले, पिया मोर आई रे गोइले बरत रखाड़ रे बाबा से विश्वास बा, खून के धार बहता लेकिन बाबा धाम जाता रे, कैसे हो जाता रे। दुनु हाथ काटी रे गईले तनी को ना फिकिर कईले, या हो मोरे तारे भक्त रसीला इत प्रभु जी के लीला, भक्त विचार करत रहे कि प्रभु के माया कहीं धूप कहीं छाया, किया हो मोरे रामा किया हो मोरे रामा, प्रभु जी करिले रे जवान निमने होला रे तन, भक्त
विचार करते रहे कि भगवान करिले तन बड़ा अच्छा करिले काहे कि कीड़ी नुगेला तो रात होला तो जोर भी वही करला ऐसे दुख के बात नहीं खे भगवान के महिमा आगम पारवा प्रभु जी करी भक्त विचार करते रहे कि जन भगवान कर ले तो न अच्छा करी ले कहाँ करी हम कहाँ न करी लेकिन देखिए भैया अब है बाबा धाम में भगवान ठाकुर जी पंडवालों के सपना देखाओ तनी कि हे पंडवालो तू ले जा बैठल बड़े एगो भक्त हमार ला चार बड़े नए नए खे देखल नहीं खे जात दोनों हाथ नहीं के खून के धार बहता रात के भगवान सपना देखौनी पांडवालु सबर देशा देश से निकलल सजन कसाई के पकड़ के लेके आइलो भगवान के दरबार में सब को आरती उतारता शंकर जी के और मुकरा तो हाथ बांध लेके लुलुआ ठाए ठाए ए बसा भाई लुलुआ ठाए ठाए हिलावत रहे लगावत रहे ताली के बदला में भगवान के आरती उतारता सजन कसाई मैं तो आरती उतारू हे गौरी के साजन की आरती उतार लगले भगवान दर्शन धनी भक्त सजन कसाई के दोनों हाथ ठीक भइल दोनों नयन ठीक भइल आ वही दिन से पांडवालो में रह के भगवान के भक्ति भाव जगन्नाथपुरी धाम में करे लगले तो भैया भक्ति सही रही तो भगवान से दर्शन जरूर होई। चलिए अंत में लयदारी सुनी कहानी के एगो लड़िका के बाप परेशान होके लाचार होके पढ़ाई लिखाई देख के कहत रहे अरे ये करा रहनिया देखी अरे जीवा जाला जोरी छावड़ा पहते नहीं थे कहले के करा के जन्मावला के हथियारी हो गए पड़निहार पर एगो मुक्तक हो कि बबुआ रेल हो जाला बम्बई हवला मेल हो जाला ए बसा भाई बबुआ रेल हो जाला बम्बई हवला मेल हो जाला इतना ना पढ़े में तेज है कि कबो कबो कड़ाई कैला पर फेल हो जाला एकरा रहनिया देखी मन कर पीटी छावड़ा पढ़ते नहीं के काहे कतनो देखाई यूनिवर्सिटी छावड़ा पढ़ते नहीं खे
कतनो देखाई यूनिवर्सिटी छावड़ा पढ़ते नहीं थे कतनो देखाई यूनिवर्सिटी छावड़ा पढ़ते नहीं थे और ध्यान दी कतनो देखाई यूनिवर्सिटी छावड़ा पढ़ते नहीं थे कतनो देखाई यूनिवर्सिटी छावड़ा पढ़ते नहीं थे कतनो देखाई यूनिवर्सिटी छावड़ा पढ़ते नहीं थे देखानी